जैसे कि प्राइवेट बुकिंग ज्यादा अच्छी होती है या फिर ओला उबर की, तो आपको हम आज विथ प्रूफ दिखाते हैं। राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आप सब कैसे हैं। आशा उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई आज बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं और हम आए हुए कस्टमर को छोड़ने। लखनऊ से कानपुर का ड्रॉप पिकअप भाई लाए थे, लखनऊ में ड्रॉप कर दिए हैं। ये कुछ अपनी गाड़ी है भाई, गंदी संदी सी है, बारिश में एकदम गंदी हो गई थी। ये देखो, ठीक है, कस्टमर को अभी लाके ड्रॉप किया है भाई और गाड़ी हमारी चल गई है चारबाग स्टेशन। भाई बहुत दूर से है, इसको जाने देते हैं, कोई ढंग की बुकिंग होगी तो एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट बाहर। गाड़ी कंडीशन देखो भाई हमारी, आगे लगा के पीछे एकदम गंदी सी हो रखी है। चलो देर न करते हुए सीधा बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से। उस शादी भैया कल एक दिन पहले कस्टमर ने गाड़ी बुक की और इनको छोड़ने लाए थे। यहाँ पे भाई छोड़ दिए हैं, कस्टमर से ले लिए हैं पैसे, 2300 रुपए में बात थी टोल सहित, 2300 रुपए इनसे ले लिए। गाड़ी चली है 111 किलोमीटर भाई इनके घर से यहाँ तक, कुल मिला के बिल हमारा सही रहा, प्राइवेट बुकिंग थी। अब यहाँ से सीधा फटाफट निकलते हैं बाहर, उसके बाद बताते हैं भाई आप लोगों को। तो भाई अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसका हम गेस्ट हाउस का नाम बताएंगे। देखो भाई काफी अच्छे से बना हुआ है, कानपुर में इतने बड़े बड़े गेस्ट हाउस हैं लेकिन यार यहाँ पे अपना जो है आए शादी करने के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस ले रखा है। दिखाते हैं इसका नाम क्या है भाइयों। ये कुछ बाहर का नजारा कुछ इस टाइप का है, ये नाम है उसका, वेलवेट ऑर्चिड रिजॉर्ट। भाई पीछे का कुछ इस तरह का नजारा है। चलते हैं यहाँ सीधा भाई एयरपोर्ट की साइड में, वहां खड़े होकर करेंगे बुकिंग का वेट और कोई बुकिंग आएगी फिर उसके बाद का नजारा आपको दिखाएंगे भाइयों। तो भैया इस समय हम लखनऊ में, ठीक है, हालांकि बुकिंग बज रही है लेकिन अपने किसी मतलब की नहीं है, इस बुकिंग को जाने देते हैं, पास कर देते हैं भाई, ऐसे इसको जाने देते हैं। तो भाई आज बहुत बढ़िया आप इन जानकारी आपको दे रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट बुकिंग ज्यादा अच्छी होती है या फिर ओला उबर की, तो आपको हम आज विथ प्रूफ दिखाते हैं कि बुकिंग, हम तो हमेशा कहते हैं भाई कि प्राइवेट बुकिंग को ज्यादा प्राथमिकता दिया करो। जैसे कि आज सारा दिन हमारी बुकिंग नहीं आई, शाम को हमारी बुकिंग आई प्राइवेट, 111 किलोमीटर भाई गाड़ी चली है, 111 किलोमीटर का कंपनी ने हमको जो है, कंपनी हमको कितना ही देती है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, प्राइवेट कस्टमर से हमने कितना लिया टोल उसी में इंक्लूड है, 2300 रुपए भाई अभी लिया है। इनको पिकअप किया था रतनलाल नगर से और छोड़ा है आके अपने यहाँ जो है ये अहिमामों के पास में गेस्ट हाउस था, वहां पे जाके हमने छोड़ा है और कस्टमर से पिकअप पैसे से ले लिए हैं। अब यहाँ से जाएंगे कानपुर की बुकिंग लेके। तो भाई कौन सी बुकिंग आपके लिए अच्छी है आप खुद तय कीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 111 किलोमीटर गाड़ी चली, 111 किलोमीटर का हमको इतना अच्छा फेयर दिया है भाई, 111 किलोमीटर में इतना अच्छा रहा। बार बार बुकिंग आ रही, डिस्चार्ज हो रही, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम आपको दिखाते हैं। 111 किलोमीटर का 2300 रुपए हमने लिया है, अगर 100 रुपए टोल का हटा दें तो 2200 रुपए। अब कंपनी हमको इतनी ही दूरी का कितना पैसा देती, उबर तो और भी कम देती। हम आपको ओला का दिखाते हैं जो कि कल हमने एक राइड की थी, ये देखिए भाई कल वाली राइड का आपको हम दिखाते हैं। डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा भाइयों। अब हम आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ, ये कमाई का ब्यौरा पे गए, क्या हो रहा है यार बार बार उबर इतनी जल्दी जल्दी भाई बुकिंग दे रहा है, कोई भी मतलब की नहीं दे रहा है। अगर मतलब की बुकिंग आएगी तो भाई एक्सेप्ट करेंगे, मतलब का ये है कि अगर जो हमें एयरपोर्ट की साइट की होगी बुकिंग तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो बुकिंग को जाने देंगे। ऐसे बैग गए भाई, कल 4 तारीख को हमने जो काम किया था 4 तारीख का भाई दिखाते हैं आपको, ये वाली राइड थी भाई। अब आप देख सकते हो 100 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1263 रुपए टोटल हमको दिए हैं, ये आप बिल देख सकते हो, ठीक है,
जो भी ये लुलू मॉल जाएंगे इनको जाने देते हैं। ये देखिए दूरी लिखिए 100 किलोमीटर और 700 मीटर 100.7 किलोमीटर, 2 घंटे 33 मिनट का समय लगा है। अगर जो 111 किलोमीटर भी चलती तो 1263 की जगह 1300 देते, 1350 देते, इससे ज्यादा नहीं देते, ठीक है 1300 रुपये मान लेते हैं। और समय वही 2.5-3 घंटे हमें भी आ जाने लगे, 111 किलोमीटर का 3 घंटे समय लगा है और पैसे मिलिए 2300 रुपये, ठीक है। और कंपनी हमको भी 111 किलोमीटर का 1300-1350 रुपये ही देती है, 1000 रुपये का अंतर आता है। तो हम कहते हैं भाइयों प्राइवेट बुकिंग को ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि कस्टमर बना के रखोगे तो ओला उबर में काम है नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं। कंपनी कमीशन देती है, वो कम कम कभी काम देती है कभी नहीं देती है। तो ज़्यादा ध्यान प्राइवेट बुकिंग पे दिया करो, प्राइवेट कस्टमर अच्छे से अच्छे बनाओ भाई और इसी तरह पैसा कमाओ, हमारा जो मानना है। बकाया आप लोगों का जो मानना हो भाई आप लोग बताइएगा, हमारे हिसाब से जो हमारा सोचना है, क्योंकि हम बहुत पुराने हैं भाई, सन 2000 से गाड़ी चला रहे हैं और सन 2014 नवंबर में हमारे यहाँ ओला आई थी। उबर तो 2018 में आई थी कानपुर में। तो जब से ओला आई है भाई इनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है ना, टैक्सी गाड़ी हमारे कानपुर में थी नहीं, हमारे पास खुद हम टैक्सी का काम करते थे लेकिन प्राइवेट गाड़ियाँ थी बलेरो वगैरह। तो भाई उसी को टैक्सी करवा के पहले ओला में लगाया था सन 2014 में, फिर 15 में हमने इंडिगो टैक्सी नंबर निकलवाई थी। उसके बाद तो भाई आज टैक्सी इतना हो गई काम मिलना मुश्किल हो गया है, जो भाई अपना गाड़ी निकलवाएं सोच समझ के निकलवाएं। उनसे हम कहना चाहते हैं कि गाड़ी अगर जो अपने दम पे निकलवाना, अगर खुद चलाना हो 10-12 घंटे की मेहनत करने की क्षमता आपके अंदर हो तभी भाई गाड़ी निकलवाइएगा, नहीं तो आप घाटे में रहेंगे। सोच समझ के गाड़ी निकलवाइएगा, इस समय काम भी थोड़ा सा कम है तो सोच समझ के गाड़ियां निकलवाइएगा। बार बार कहता हूँ कोई भाई हमारा फंस ना जाए बाद में हमसे कहे कि लो विनय भैया आप ब्लॉग में बताते थे 2000 कमाते 3000 कमाते। भाई मैं कमाता हूँ, विद प्रूफ आपको मैं दिखाता हूँ। कल मेरी जो बचत हुई कल मैंने दिखाया, आज जो मेरी बचत होगी आज मैं दिखाऊंगा। 2300 रुपये काम किया, 100 रुपये टोल हटा दो जबकि 90 ही लगते हैं। एक तरफ आने के 111 किलोमीटर भाई कितना सीएनजी निकालोगे, 300-400 ज्यादा नहीं लगेगी। तो टोटल खर्चा हमारा 500 रुपये रहेगा और कुल मिला के हमें 500 रुपये इसमें से निकाल देते हैं तो 1800 रुपये भाई एक साइड की बचत होती है। अब इधर से कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे कुल मिला के, ना कुछ तो सब खर्चे निकाल देंगे, बहुत ज्यादा भी खर्चा करेंगे तब भी आज का बचत हमारा 2000 रुपये आराम से हो जाएगा। इधर से हम सवारी भी बिठा के ले जाते हैं तो अगर ओला उबर की बुकिंग होगी तो भाई 1000-1200 रुपये इधर से भी मिलेंगे। तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कितना बचेगा। तो आप लोग कहना चाहते हैं जो नए ड्राइवर हैं जो अपने इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, खुद के लिए गाड़ी लेना भाई और 10-12 घंटा मेहनत करने की क्षमता हो तो यकीन मानिए हमारा भरोसा कीजिए भाई, आपका कहीं भी पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, गाड़ी बेकार नहीं जाएगी, आप पछताओगे नहीं, आराम से किस्त वगैरह निकाल लोगे, घर परिवार भी चलाओगे, दूसरे की नौकरी से अच्छा है। लेकिन अगर जो काम करोगे तो काम करोगे और किस्मत की बात है भाई, अगर किस्मत आपकी अच्छी है तब तो टू गुड है। ये भाई बुकिंग आ रही है रैपिडो में, ये देखो गोल सिटी इनको जाना है और पैसे 95 रुपये दे रहे हैं भाई। 3 किलोमीटर से पिकअप है, 5 किलोमीटर इनको ड्रॉप करना है, 5 दिन 8 किलोमीटर का 95 रुपये इसको भाई जाने देते हैं, ठीक है इस बुकिंग को छोड़ते नहीं है, इसको जाने देते हैं, ठीक है ऐसे ऑन कर लेते हैं उबर भी। हालांकि उबर हमारी ऑफ हो गई थी, अब ऑन हो चुकी है, बहुत बार बार बज रही थी। तो अपने भाइयों से बताना चाहेंगे गाड़ी खुद मेहनत करने की क्षमता हो भाई तो गाड़ी लीजिएगा, बाद में मुझे मत ब्लेम कीजिएगा कि विनय भैया आप तो इतना कमाते थे। हाँ आप भी इतना कमाओगे अगर 10-12 घंटे आप मेहनत करोगे और कुछ प्राइवेट कस्टमर बना लोगे। कस्टमर प्राइवेट बनते कैसे आपको बताया भाई, प्राइवेट कस्टमर बनाने का सबसे अच्छा तरीका आप ऑनलाइन रहोगे, ओला उबर चलाओगे, लोकल में भी चलाओगे तो उसमें बहुत से कस्टमर आपका बिहेवियर देख के आपकी गाड़ी देख के बोलेंगे भैया अपना पर्सनल नंबर दीजिए, हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे भाई। लोकल में गाड़ी स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको ऑप्शन देगा नहीं, इंटरसिटी देगा नहीं, लोकल में ही चलाना पड़ेगा, उससे बहुत बड़ा ज्ञान होगा आपको कौन से एरिया में जाना है, किधर की बुकिंग एक्सेप्ट करनी है, कैसे क्या बर्ताव करना है कस्टमर के साथ में या आम जनता के साथ में, तो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। अगर 2-4-6 महीने लोकल में चला लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, 1-2 साल बाद जब पुराने हो जाओगे 6 महीने बाद तो भाई आप भी 2000-3000 रुपये कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप पहले दिन से सोचो कि भैया मैं 2000 का टारगेट बना के चलूँ, 3000 का टारगेट बना के चलूँ, बचा के ले जाऊँ, तो भाई वो अलग की बात है। और बात रही कमाने की, ऑपरेटर बिल की, देखो टोटल बिल अलग होता है, ऑपरेटर बिल अलग होता है और उसमें फिर बचत जो होती है वो मैं दिखाता हूँ, तीनों ही चीजें अलग अलग हैं। मान लो हम अब प्राइवेट बुकिंग लाए थे, हालांकि यही अगर ऑनलाइन होती ओला की होती 2300 रुपये बिल बनते, ठीक है
2300 रुपए में कंपनी हमको जो है बुकिंग आ रही भाई। ये भी खैर मतलब की नहीं है, गोमती नगर की है, इसको भी जाने देते हैं। अगर 2300 रुपए की बुकिंग लाते हैं 111 किलोमीटर टोटल भाई फेयर तो लगभग 2300 बनता है 111 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो, और समय 3 घंटे लगेगा तो। लेकिन उसमें कंपनी हमको देती 1500, 1600, 1700, 1800 रुपए बहुत ज्यादा, ठीक है मोटा मोटी ज्यादा से ज्यादा हम मान लेते हैं भाई। तो अगर 1500, 1600, 1700 देती तो 700-800 रुपए वो कमीशन काट लेगी, ठीक है 1600-1700 रुपए मान लो हम टोटल 1500 रुपए मानते हैं, 1500 रुपए हमको देती, 800 रुपए कमीशन काटती। अब 1500 रुपए तो ऑपरेटर बिल हमारा होता, टोटल बिल तो 2300 होता लेकिन ऑपरेटर बिल 1500 होता, और उसमें से 400-500 रुपए अपना खर्चा निकाल देते जो कि सीएनजी एक साइड की मान लो जो है, ठीक है, और उसके बाद जो है निकाल दो टोल का। तो ये सारे खर्चे निकालने के बाद हमारे हाथ में जो आते वो भाई 1000 रुपए आते, जो हमारी बचत होती वो 1000 होती। आप बताते हो भैया ऑपरेटर बिल क्या होता है, तो आपको बता दें ऑपरेटर बिल भाई वो होता है जो हमको मिलने वाला होता है कमीशन को काटने के बाद, ठीक है कमीशन के काटने के बाद जो हमारा होता है उसको हम ऑपरेटर बिल बोलते हैं। अब आप लोग समझ जाइएगा ऑपरेटर क्या होता है, टोटल बिल क्या होता है और हमारी बचत क्या होती है। ऑपरेटर बिल में फिर हम खर्चे निकालते हैं, सीएनजी का निकालते हैं, टोल का निकालते हैं, हालांकि टोल का ओला का तो ऐड होके आता है, कभी कभी नहीं ऐड होके आता है, कल वाले में ऐड होके नहीं आया था तो हमने कस्टमर से अलग से पैसे लिए थे, और ऊबर में अलग से ही लेना होता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हिसाब किताब आप लोग देख लीजिएगा। तो भाई आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब हमारा ये है आप प्राइवेट बुकिंग ज्यादा से ज्यादा करो क्योंकि उसी में ही फायदा है। कंपनी का काम करने में फायदा तो है भाई, उसको जो है सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, फर्स्ट पे रखो भाई प्राइवेट काम, सेकंड पे ओला उबर। जब आपके पास प्राइवेट काम नहीं होगा तो ओला उबर तो आप चलाओगे ही, समझ रहे हो ना, स्टेपनी तो आपके रूप में आपके पास ही है कि कोई टायर पंचर होगा तो स्टेपनी लगा लेंगे, तो प्राइवेट काम नहीं है तो ओला उबर में आप चलाएं अच्छे तरीके से, उसमें भी अच्छी अर्निंग होती है, ये नहीं कह रहे उसमें नहीं बचते हैं, बचते हैं भाई, लेकिन प्राइवेट कस्टमर ज्यादा बनाए। प्राइवेट कस्टमर कैसे बनेंगे वो ब्लॉग आपको बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छे से साफ सुथरी रहिए, साफ सुथरी गाड़ी रखिए, साफ सुथरी बात कीजिए, झूठ कम बोलिए, और पान मसाला बीड़ी सिगरेट नशे का सेवन कम से कम कीजिए, ठीक है, खास करके कस्टमर के सामने। प्राइवेट लाइफ में आप क्या करते हो वो तो अलग की बात है, हर कोई करता है तो उसमें उसको उस विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन कस्टमर के साथ में ऐसी कोई भी लत ना लगाएं जिससे कि कस्टमर जो है आपको अपना पर्सनल नंबर ना दे, आपको प्राइवेट बुकिंग ना मिले। पर्सनल बनाने में सबसे अच्छा भाई यही फायदा होता है कि देख लो कमीशन में 1000 रुपये हमारे से पूरे के पूरे बचे हुए हैं। तो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आज की बचत हमारी 2000 होने वाली, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ओके बाय।